सुल्तान उल उलूम जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स इंग्लिश मीडियम खाजीपुरा शाहली बंडा हैदराबाद एडमिशंस आर इन प्रोग्रेस फॉर एमपीसी बाईपीसी सीईसी एमईसी एमसेट एंड नीट इंस्टीट्यूशन ऑफ सुल्तान उल उलूम एजुकेशन सोसाइटी एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 2005 अफोर्डेबल फीस स्पेशियस क्लासरूम्स वेल इक्विप्ड लैब्स मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर हाइजीनिक सेफ एंड सिक्योर एनवायरमेंट सुल्तान उल उलूम जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स इंग्लिश मीडियम खाजीपुरा शाहली बंडा हैदराबाद। तेलंगाना के वज़ीर दाखला मोहम्मद महमूद अली ने वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीहुल्लाह खान के हमरा सूफी आस्ताना दरगाह हज़रात यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह की कमान के तामीरी कामों के लिए संग बुनियाद रखा, जिस पर 20 लाख रुपए का खर्च आएगा। इस मौके पर माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन इम्तियाज़ इसहाक़, माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन तारिक अंसारी, वक्फ बोर्ड रुकन अबुल फत्ता बंदगी बादशाह खादरी और दीगर मौजज़ीन व अहदेदार मौजूद थे। इससे कबल वज़ीर दाखला मोहम्मद महमूद अली ने मस्कुरा अहदेदारान के हमरा दरगाह शरीफ में चादर गुल पेश करते हुए दुआ की। खासतौर से यहाँ के इमाम साहब ने तेलंगाना स्टेट की तरक्की और हमारे आनेबुल सीएम साहब की हयात और तंदुरुस्ती और हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट के टी रामाराव के लिए और ख़ासतौर से कविता मैडम के लिए अल्लाह तमाम आफतों से पाक रखे। और हमारी स्टेट जिस तरह तरक्की कर रही है उसमें आपकी मदद की ज़रूरत है, आप अल्लाह से दुआ कीजिए। हम लोगों ने दरगाह शरीफ पर हाजिर दी और ख़ासतौर से हमारे वक्फ बोर्ड चेयरमैन मसीहुल्लाह खान साहब, हमारे माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन चेयरमैन इम्तियाज़ साहब, माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी साहब और वक्फ बोर्ड के मेंबर बंदगी पाशा साहब और बहुत से हमारे साथी यहाँ मौजूद है और बदर भाई हमारे टीआरएस के सीनियर लीडर और काफ़ी टीआरएस के कायदे यहाँ मौजूद है। और यहाँ पर ख़ास तौर से मैं वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ मसीहुल्लाह खान साहब का कि 20 लाख रुपए की रकम से यहाँ आज कमान बनाई जा रही है जिसका आज फाउंडेशन डाला गया। यकीनन यह दरगाह हमारे लिए बड़ी अजमत की दरगाह, हमारे सीएम साहब भी यहाँ पर तेलंगाना बनने से पहले मन्नत की थी, यहाँ पर हाजिरी दी थी, कहा था कि तेलंगाना हासिल हो और टीआरएस पार्टी को इख्तदार आए ताकि बहुत अच्छे से अच्छा इस स्टेट को डेवलप कर सके। आज सारे हिंदुस्तान में अगर कोई स्टेट तरक्की कर रही है वो तेलंगाना स्टेट है। और जो गंगा जमुना तहजीब है, आज हिंदुस्तान के हालात बहुत ख़राब है, ऐसे हालात में इस तेलंगाना स्टेट में जो भाईचारगी है, नंबर वन स्टेट की तरह हिंदू मुस्लिम भाईचारगी प्यार और मोहब्बत से रहते हैं और हमारी पुलिस बहुत अच्छी तरीके से लैंड ऑर्डर कंट्रोल कर रही है। खासतौर से दरगाह शरीफ पर हम तमाम लोगों ने गिड़ाकर दुआ की, आप वली है, आप अल्लाह के नेक बंदे हैं हुसैन शरीम साहब, आप अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि आने वाले वक्त में भी हमारी साबिका में टीआरएस पार्टी थी, उसका मकसद एक था तेलंगाना हासिल करना, इख्तदार पे आने के बाद जब तेलंगाना की तरक्की देखकर सारे हिंदुस्तान की आवाम ने हमारे केसीआर साहब से गुजारिश की कि आप अपनी पार्टी सिर्फ तेलंगाना के हाथ मत रखिए, अदर तमाम स्टेट में इसे फैलाइए, इसलिए उसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्र समिति रखी गई। अल्लाह से दुआ करते हैं और खासतौर से यूसुफ़ान शरीफ़न दरगाह पर हाजिर होकर हम उनसे गुजारिश करते हैं, आप अल्लाह के वली हैं, आप अल्लाह से दुआ कीजिए हमारी पार्टी की कामयाबी के लिए, हमारे सीएम साहब की सेहत के लिए और के टी रामाराव की जो वर्किंग प्रेसिडेंट है वो बड़ी मेहनत करते हुए हैदराबाद को तरक्की दिला रहे हैं, पार के आ रहे हैं और आज हैदराबाद दुबई की तरह तरक्की कर रहा है। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं हैदराबाद इसी तरह तरक्की करे, तेलंगाना स्टेट इसी तरह तरक्की करे और आने वाले मैद में लोग बाज कहते हैं अरे 10 साल के बाद आंध्र प्रदेश में जब थे तो हुकूमतें तब्दील होती है, मैं आज यहाँ इस दरगाह पर डर के कहता हूँ आने वाले 50 साल तक बीआरएस पार्टी को धक्का नहीं दे सकता। हमारे सीएम साहब जिस तरह तरक्की करे हैं, तरक्की दिलाए, तरक्की तो आवाम करी है, तरक्की दिलाए तो उन्होंने हमेशा आज सारे हिंदुस्तान में सबसे नंबर वन सीएम है तो केसीआर साहब है, नंबर वन स्टेट तेलंगाना स्टेट है। हर वेलफेयर स्कीम आज चूंकि वेलफेयर डे मनाया जा रहा है जिसमें माइनॉरिटी के तरक्की के बारे में भी रविंद्र भारती में प्रोग्राम है, एससी एसटी बीसी और माइनॉरिटी के, डेफिनेट आज माइनॉरिटी पहले से बहुत अच्छे खुशहाल है। लोग बड़े बड़े बातें करते हैं, साबिका में जो लोगों ने हुकूमत की कभी भी मुसलमानों की तरक्की और उनके एजुकेशन के बारे में तवज्जो नहीं दी, अगर कोई तवज्जो देने वाले लीडर है वो केसीआर साहब, उन्होंने 3 साल के अंदर 204 रेजिडेंशियल स्कूल खोले जबकि 65 साल में कांग्रेस ने 47 साल हुकूमत की, तेलुगु देशम ने 18 साल हुकूमत की, सिर्फ 12 रेजिडेंशियल स्कूल थे जिसमें 2000 बच्चे पढ़ा करते थे, आज 1,40,000 मुस्लिम लड़के और लड़कियां तालीम हासिल कर रहे हैं।
अल्लाह से दुआ करते अल्लाह सारे मुसलमानों को अच्छी से अच्छे तालीम से नवाजे, खुशहाल जिंदगी नवाजे, हमें रोजगार से लगाए और हमेशा अमन और भाईचारगी में मिलजुल कर हिंदू मुस्लिम रहे। और औलिया अल्लाह के मज़ारों पर वही आते हैं जो अल्लाह को चाहते हैं, औलिया अल्लाह को चाहते हैं। यकीनन एक बड़ी हैदराबाद की बहुत बड़ी मज़ार शरीफ है, यहाँ बड़े बुजुर्ग हैं जो गोलकुंडा किला फतह करने में औरंगजेब की मदद की थी। आज हम यही दुआ करते हैं यहाँ के मुसलमानों की, हिंदू भाइयों की, सबकी खुशहाली के लिए आप अल्लाह ताला से दुआ कीजिए। नेक्स्ट आने वाले इलेक्शन में बीआरएस से ज़्यादा बीआरएस पार्टी बड़ी मेजॉरिटी से जीते। हमारे जो एमएलए है, यकीनन हम मीडिया के भाइयों को भी बताना चाहते हैं, आने वाले वक्त में सबसे ज्यादा हमारे एमएलए जीतेंगे और फिर से हमारी हुकूमत बनेगी और अच्छी तरीके से इस तेलंगाना को तरक्की दिलाएंगे। और खासतौर से हमारे बोर्ड चेयरमैन मसीउल्लाह खान साहब को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि 20 लाख के फंड से आपने कमान का आज फाउंडेशन रखा। यकीनन हमारे लिए फख्र की बात है। जरूर इस दरगाह पर ज्यारत करने वालों को मैं गुजारिश भी करूँगा, जो जायरीन आते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा सहूलत पहुँचाने की और कोशिश की जाए। बहुत अच्छी तरीके से सहूलत पहुँचाई जा रही है। और जहाँ तक पुलिस का बंदोबस्त है, हमारी पुलिस हमेशा आपके साथ रहेगी। अभी मैं इंस्पेक्टर से कहा हूँ, डीसीपी को बुला के भी बोल दूंगा, दरगाह जब भी जुमेरात के दिन या जब जब यहाँ पर रश रहता है, पुलिस का मुकम्मल बंदोबस्त रहेगा और वो आपके साथ काम करते रहेंगे। यहाँ के इंतजाम में हम अच्छी तरीके से ताउन करेंगे, ये कहते हैं।